से 7 तारीख से 9वीं से 12वीं के स्कूल खोल दिए जाएंगे और धीरे धीरे, क्योंकि अब कोविड केसेस भी कम हो गए हैं और साथ साथ में 9वीं से 12वीं के एज के बच्चों के वैक्सीनेशन में भी काफी प्रोग्रेस हो गई है दिल्ली में, तो धीरे धीरे अभी तो हालांकि 9वीं से 12वीं के लिए हाइब्रिड क्लासेस जारी रहेंगी, स्कूल खोल दिए जाएंगे 7 तारीख से, लेकिन हाइब्रिड क्लासेस जारी रहेंगी, ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रहेंगी और धीरे धीरे हम इस स्टेज में की तरफ बढ़ेंगे। समय आ गया है, धीरे धीरे हम उस स्टेज की तरफ बढ़ेंगे जब हाइब्रिड क्लासेस बंद कर दी जाएं और केवल फिजिकल क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस ही चलें। लेकिन फिलहाल 7 तारीख से 9वीं से 12वीं के स्कूल खुलेंगे और वो हाइब्रिड क्लासेस भी चलती रहेंगी उनकी। 8वीं क्लास या उससे नीचे, नर्सरी से 8वीं क्लास तक के स्कूल उसके अगले हफ्ते से खोल दिए जाएंगे, अगले मंडे से, यानी कि 14 तारीख से 8वीं से नीचे के सभी स्कूल, 8वीं और उससे नीचे के सभी क्लासेस के स्कूल खोल दिए जाएंगे। इससे पहले एक हफ्ते में स्कूलों को कहा गया है कि वो तैयारी करें स्कूल को खोलने की, और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि नर्सरी से 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो भी टीचर्स आएंगे, वो चाहे गवर्नमेंट स्कूल में हो या प्राइवेट में, वो सब के सब वैक्सीनेटेड होने चाहिए, उन सब ने वैक्सीन लगवाई होनी चाहिए। दूसरी बात कॉलेजेस को संबंध में है। दिल्ली में कॉलेजेस भी लगातार बंद हैं और बड़े बड़े कॉलेजेस में दाखिला लेने वाले बच्चे अपने घर के छोटे छोटे कमरों से बैठ के पूरी ग्रेजुएशन पूरी कर ले रहे हैं, 2-2 साल निकल गए हैं उनके। इसलिए आज ये फैसला लिया गया कि इस मंडे से, यानी 7 तारीख से, दिल्ली के सभी कॉलेजेस भी खोल दिए जाएंगे। और अब कॉलेजेस को कहा गया है कि वो ऑफलाइन क्लासेस चलाएंगे, अब उनकी ऑनलाइन क्लासेस नहीं चलेंगी, बल्कि सब के सब अब ऑफलाइन क्लासेस चलाएंगे कॉलेजेस के लिए। अभी